अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम बदलाव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में चाहे मजदूर व्यापारी जूते कारोबारी हो, चाहे दलित आदिवासी, चाहे पिछड़े और अकलियत हो, सबको भविष्य का भय सता रहा। और खेत कामगारों की हालत बिगड़ती चली जा रही। मेरी बहनों को महंगाई की वजह से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मोदी जी का बहुत ही पसंदीदा वादा, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा का क्या हुआ? उनके राज में भ्रष्टाचार की जड़ें और गहरी हुई। सत्ता पतियाने के लिए मोदी जी ने जितने वादे किए थे वे सब खोखले साबित हुए, झूठे साबित हुए। क्या हमारे कांग्रेस के पूर्वजों ने ऐसा ही देश बनाने के लिए अपना रक्त बहाया था? उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर किया क्योंकि वे एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसकी बुनियाद सत्य प्रेम समझते। असहमति को हर स्तर पर कुचलने का अपना अधिकार समझते। पूरा देश एक हिंसक दौर से गुजर रहा। आज हमारे देश को निष्पक्ष और मजबूत संवैधानिक संस्थाओं की जरूरत है। इन संस्थाओं को बड़ी मेहनत से 60-65 साल में तैयार किया गया था, लेकिन जब से भाजपा की मोदी सरकार आई है उसने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। यह सब उनके एक खास सोच रखने वाले संगठन के इशारे पर किया जा रहा। चुनाव को ध्यान में रखकर समाज का बंटवारा किया जा रहा। राजनीतिक विरोधियों को सरकारी एजेंसी के जरिए निशाना बनाया जा रहा। आज जिस गंभीर संकट से न्याय व्यवस्था गुजर रही है, यह सबसे चिंताजनक बात है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अध्यापकों, प्रोफेसर, विद्यार्थियों को बोलने की आजादी नहीं है। मीडिया को अपनी सच्ची भूमिका का पालन करने से किसी न किसी तरह रोका जा रहा है। हमारे लोग, हम सब मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में हाथ जोड़ते हैं, गुरुद्वारे में हाथ जोड़ते हैं, हम सत्य के सामने हाथ जोड़ते हैं। अगर हिंदुस्तान की जनता अपना सिर झुकाती है तो वो सिर्फ सत्य के सामने सिर झुकाती है और किसी चीज के सामने सिर नहीं झुकाती। ये हमारी सच्चाई है। आमतौर से किसी से बातचीत होती है, कभी कभी झूठ ढूंढना पड़ता है। कोई आता है, आधा घंटा बात करता है और व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि भाई झूठ कहां बोला।
मोदी जी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। देश के कार्ड बनाकर देख रहे करें क्या कह रहे हैं, बिना स्वार्थ अपनी कंपनी को डिक्लेयर नहीं करता है, मंत्री बनता है अपनी कंपनी को डिक्लेयर नहीं करता है। बाद में एक पावर कंपनी को 48 करोड़ रुपए के लिए अपनी कंपनी बेचता है। पहली बार पावर मिनिस्टर अपनी कंपनी किसी पावर कंपनी को बेचता है। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए आपका पैसा उठा के ले जाता है। आपको लाइन में खड़ा करते हैं, आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। 500 रुपए 1,000 रुपए का नोट रद्दी कर रहा हूं। काले धन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की पूरी जनता खड़ी हो जाती लाइन में, जेब में से पैसा निकालकर बैंक में डालती है।